अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई एक और बकरीद की वीडियो आ गई है, लेकिन इस बार व्लॉग है क्योंकि कॉमेडी स्केच भी बन गया, स्टोरी टाइम भी आ गई, अब है व्लॉग की बारी। तो प्लान ये है कि मैं अपने लिए जानवर ख़रीदने जा रहा हूँ, लिटरली सीरियसली जानवर ख़रीदना है, और अगर मुझे मिल जाता है मेरी कीमत के हिसाब से, रेंज के हिसाब से। और मैंने ऐसा ही कैटल फॉर्म देखा अलहम के नाम से, जहाँ पर मिड रेंज के तमाम बछड़े बछियाँ मौजूद हैं, तो मैं एक विज़िट वहाँ कर चुका हूँ। लेकिन आज इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ख़रीदारी हो जाएगी, और मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ दो तीन बंदों को, और सबकी जॉब्स डिफाइन है। सबसे पहले आप उनका इंट्रो चेक करें, उसके बाद आज आपको कंप्लीट जानवर भी दिखाएंगे, उनकी पैसे भी बताएंगे, जगह भी समझाएंगे। तो व्लॉग आपने पूरा देखना है, इंट्रो चेक करें। यार थोड़ा सा मैं आपको रास्ता गाइड कर दूं, जब आप सुराब गोड से आ रहे हैं तो पहला शेल छोड़ के दूसरा शेल आता है, उससे पहले लेफ्ट पे रास्ता अंदर जा रहा है, यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे और पहले ही सीधे हाथ से अंदर हो जाएंगे तो कैटल फार्म आ जाएगा। अलहम मंडी वाले पुल से भी पहले है भाई, खान साहब से भी पहले है। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, फिर आपको वहाँ के जानवर दिखाते हैं। यार हम लोग पहुंच गए और बहुत जल्दी पहुंच गए क्योंकि रास्ता इतना छोटा है, बहुत ही करीब है ये, और पीछे जानवर आप देख सकते हैं शुरू हो गए हैं, सारे मिड रेंज वाले हैं। और बाहर भी क्या करना है, आज ही लेना है भाई, लेना है, लेके जाना है, लेकिन बंदे से ना सौदा बनाना है। अब्दुल समद नाम है भाई का, ठीक है, और इनको कैमरे की पावर दिखानी है और इनको घेरना है। बस घेर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, आपका काम है बार्गेनिंग करना। एक्सपर्ट लेकर आए हैं, बार्गेनिंग करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। यार ये वाला बछड़ा देख रहे हैं आप लोग, ये खूबसूरत लग रहा है आपके भाई को, इसकी जो पलकें हैं ना वो भी वाइट हैं। तो अभी पता करते हैं कि ये वाला कितने का भाई, आप इधर आए ना अब्दुल भाई। ये वाला भाई इसकी 260 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये प्योर गुलाबी है, ठीक है। अच्छा। ये भी गुलाबी है, और वो बछिया जो आपने पीछे देखी, दोनों दाने जो हैं वो अनार के दाने। अच्छा, ये दोनों वो हैं, आपस में रिलेशन है कोई इनका? वही है। क्या है, भाई बहन? हाँ वही। अच्छा भाई, भाई भाई बहन है, ठीक है, इनको हम जुदा नहीं करना चाहेंगे, हम दूसरा देखते हैं। यार आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी इंडोनेशिया की थी वो शायद, उसमें बड़े सींग वाला जानवर ट्रक से उतरता है, उतरते ही भागता है लोगों को मारता हुआ, उस तरह की चीज़ मुझे दिख गई है, और वो ये मेरे पीछे है। अभी इसका पूछते हैं, आइए भाई ज़रा बताइए इसके क्या पैसे हैं। इसके सर ये 4000 पे बछड़ा है हमारा, और इसके 7.5 लाख रुपये डिमांड है। 7.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको चला के देखते हैं, ठीक है, मारता वारता तो नहीं है, उसके बाद फिर बात करेंगे। खोल दो भाई। भाई ये वाला जानवर समझ में आ रहा है, तो फैसल भाई को मैंने मशवरा दिया है कि ये वाला जानवर चेक करें। यार ये बाद में जो जानवर निकलवाया है वो वाकई मुझे अपनी रेंज के हिसाब से भी सही लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन असल चीज़ें जो ना हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे पहले बताओ भाई ये कितने मन का होना चाहिए? फैसल कम से कम ये 6 मन का होगा। अच्छा बताओ भाई खूबसूरती, खूबसूरत ये बहुत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसकी टांगे देखें। अच्छा। और जो इसकी नीचे लटक रही है ना वो हो, क्या लटक रही है, क्या लटक रही है, मतलब वो जो गंदी बातें कर रहे हो तुम, मलाई मलाई। अच्छा अब आप बताओ भाई, रेंज रेंज की जहाँ तक बात है, कम से कम जो अभी माहौल चल रहा है गर्म गर्म, उसमें कम से कम 160-165, किससे ज़्यादा करना जाए 1.5 लाख की रेंज है, क्या किया जाए? करते हैं बात, करते हैं कुछ ना कुछ सौदा बने, बुलाते हैं फिर अब्दुल नसीब का सौदा है, सही नसीब का सौदा है, बुलाते हैं अब्दुल समद साहब को और थोड़ा सा घेरने की कोशिश करते हैं।
भाई अब्दुल समद साहब को मैंने बुला लिया है, लेकिन मैंने एक शर्त रखी है। मैंने कहा डील होगी लेकिन कैमरे के सामने होगी, ठीक है? ये बिल्कुल रियल है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। देखें हमारे जहन में क्या आता है, हम किस तरह डील करते हैं, इनके जहन में क्या आता है, वो आप बिल्कुल रियल देखेंगे। बताएं भाई अब्दुल समद भाई, क्या कह रहे हैं आप इसके? फैसल भाई, पहली बात तो ये 2 लाख का बच्चा है माशाल्लाह, सबसे भारी मेरे पास जो अभी माल बचा है उसमें सबसे भारी बच्चा ही है। सही है, इसकी मैं डिमांड 250 ही कर रहा हूँ डिमांड। सही है, अब वो आप देखें आपके कितने में समझ में आ रहा है, चला के आप देख लें, इसके दांत देख लें, इसका वजन चेक कर लें, इसकी खाल देख लें, माशाल्लाह हर चीज़ से, नो डाउट हर चीज़ से परफेक्ट है। अच्छा देखें भाई, मैंने आपको बताना है, बिल्कुल सही है, और हमारे बार्गेनिंग एक्सपर्ट इनसे मैं डिस्कस कर लूँ। भाई हमारे बार्गेनिंग एक्सपर्ट ने एक रेट दिया है हमें, खूबसूरती का भी इन्होंने 10 out of मुझे कुछ मार्क्स दिए, मैं बताऊंगा नहीं, और वज़न में भी भाई ने जो है वो तो क्लियर कर दिया कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं कि 6 मन का है। क्या कहना चाहिए बात भाई, बताओ? मैंने कान में बता दिया ना आपके भाई, इन्होंने मुझे कान में बता दिए हैं 140। आप देखें, पता है क्या, आपने ना ये ऑडियंस इतनी सारी देख रही है ना, इनका भी ख्याल करना है और हमारा भी ख्याल करना है, और फाइनल बता देना, बिल्कुल फाइनल बता दो, आप भी मशवरा करें। एक वो जो वीडियो में सीन दिखाया था ना, अगर मुंह पे नहीं कान में बोलें तो फिर रस्सी हाथ में। हाँ यार मैं कान में बोलूं। अच्छा आप मशवरा कर लें फिर मुझे बताएं, लेकिन जल्दी मशवरा कर लेते हैं। हाँ मशवरा कर लें। आप आए हैं और इंशाल्लाह आप हमारे लिए काबिले मुकाम हैं, तो इसके लिए इसके पूरी पूरी कीमत लगा दूंगा 2 लाख। 2 लाख रुपए अच्छी चीज़ है। देखो यार सच्ची बात ये है कि मैंने लेने भाई 2 बकरे और 1 बछड़ा। बछड़े का मैंने रेंज रखी है 1.5 लाख रुपए तक की, बकरे पर देखा जाएगा, तो यहाँ सौदा नहीं बनेगा। कोई बात नहीं अब्दुल समद भाई, दूसरी चीज़ दिखाएं, ऐसे थोड़ी सी हल्की हो भले लेकिन खूबसूरत हो। आइए मैंने, ठीक है भाई, चलो भाई आइए। मैं एक और बछड़ा मुझे समझ में आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रेंज में आ जाना चाहिए, ठीक है? और अब अब्दुल समद साहब से और अपने एक्सपर्ट से मैं जानता हूँ कि भाई इसके कितने पैसे होने चाहिए और कैसा लग रहा है। ये 2 दांत है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे डर बहुत रहा है यार, डर क्यों रहा है? गरीब है, गरीब गरीब जानवर है यार। भाई अब्दुल समद भाई, अब आप बताएं सीरियसली कितने का दे देंगे मेरी शक्ल पर मोहब्बत में? मुझे वाकई कसम से बहुत पसंद आ गया है, और अगर इन्होंने मेरी रेंज के हिसाब से दे दिया ना, मैं ले जाऊँगा। बताएँ अब्दुल समद भाई। लेकिन फैसल भाई, इसकी भी डिमांड हम कर तो रहे हैं 180 की, लेकिन आपने जो अंदर बोले थे वो उसमें ले जाएँ हम। अंदर क्या बोले थे? अंदर अंदर तो उस जानवर के बोले थे, ये चला जब इसके अलग बोलेंगे। हाँ इसका ये कितने मन का होगा? देखो तकरीबन 4.5 मन पे आएगा ये, एक्सपर्ट एक्सपर्ट बताएगा। हाँ कितने मन होगा यार? 4.5 नहीं, तकरीबन 3.5 मन है मेरे हिसाब से। है भाई, है भाई, खूबसूरत खूबसूरती वाला कहाँ गया? ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये यार ये मुझे भी खूबसूरत लग रहा है, इसके सींग भी नहीं है ना। और बस यार अब्दुल समद भाई प्लीज़ यार, देखें ऑडियंस देख रही है, समझ गया ना? समझ गया मैं। हाँ। मैं बिल्कुल इसके फाइनल बोलूँ, बिल्कुल फाइनल 1,10,000। 1,10,000 में नहीं होगा फैसल भाई, आपके लिए 1,30 कर दूंगा बिल्कुल फाइनल, आपके भी 10,000 रुपये कम जो आपने अंदर उसके अलावा। नहीं नहीं यार, पता है क्या, कसम से चीज़ चीज़ के पैसे होते हैं जी, बिल्कुल। तो ये 1,10,000 में जो मैंने अभी विजिट किए मंडी और जो मेरे आस पास आ रहे हैं उस लिहाज से ये तकरीबन 1,10,000 में सही है, इससे ऊपर ना मेरे लिए महंगा हो जाएगा। मुझे बकरे भी लेने हैं। आपके सामने सारी चीज़ें कि कैसे मंडी चल रही है, किस तरह की आग लगी हुई है, ठीक है? तो उस तरीके के हम भी नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी इंशाल्लाह नुकसान होने नहीं देंगे। चीज़ आपके सामने अभी अलग है, इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-4 दिन में, कल परसों में उतरा ही। बस बस रस्सी पकड़ी हुई हाथ में यार, रस्सी पकड़ ली है, मैंने नकेल पकड़ी, इन्होंने नकेल पकड़ी हुई, हमने रस्सी पकड़ी हुई है, गाय आधी आधी हो जाएगी बता रहा हूँ मैं। वो भी घबरा गया, क्या हो रहा है? अजान हो गई भाई, अजान का वक्फा लेते हैं, उसके बाद अब्दुल समद भाई से बोलते हैं जरा चाय वाय पिला दो, फिर इनको मनाते हैं, बिस्किट खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर मनाएंगे। यार लिटरली मेरे दिल पे लग गया ये वाला जानवर, लेकिन ये देने को तैयार नहीं है। अभी मैंने ऑफ कैमरा बड़ी कोशिश करी कि यार मान जाए, मैंने ये भी बोला, मैंने कहा यार व्लॉग में जान पड़ जाएगी भाई, गाड़ी में चढ़ेगा उतरेगा, व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा कि भाई मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि यार जब इतने में हमें पढ़ा ही नहीं है तो फिर हम नहीं दे सकते। बाकी बता रहे थे कि साल फर्स्ट ऑफ ऑल तो काशन भाई वो फैसल भाई हम पालते हैं इसको पूरे साल, ठीक है? यहीं पर हमारे पास जगह पे पलता है, ठीक है? यहीं पर हमारे पास माल आता है 1 साल पहले, यहीं पर हम लोग पालते हैं,
इसका घी चलता है, इसको मक्खन चलता है, ये सब भी इसको आखिरी टाइम में हमें 2 महीने पहले 3 महीने पहले देना पड़ता है। ये सारी चीज़ों के बावजूद जाके हम अगर 10,000 रुपये ना मिलें तो फ़ायदा नहीं है। नहीं 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 यार, नुकसान नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह आपका। हम और देख लेते हैं, हमारे पास और ऑप्शन है जी। रेडी यार, गाय का सौदा तो नहीं बन पा रहा है, ज़ाहिर है उनको नुकसान तो नहीं दूंगा मैं, वो तो मेरी खातिर कम करने को तैयार हैं, लेकिन अब आ गई है बात बकरों में, इसका सौदा बनाना है। भाई ये बकरा पसंद आ गया आपके भाई को और मैंने इनसे कहा था मैं कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊंगा, ठीक है तो इसकी डील करते हैं। इन्होंने बोले हैं मुझे 29 और मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला क्योंकि ये काम है ये बात का। सबसे पहले हम इसका वेट करवाएंगे, उसके बाद हम तहसीन से पूछेंगे हाँ भाई खूबसूरत है पूरी लॉट में, उसके बाद फिर ये बात भाई बार्गेनिंग करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है ये लेके जाएंगे। हाँ फैसल भाई ये देखें, ये है सबसे खूबसूरत बकरा। इसकी खूबसूरती बताऊँ क्या है, इसका मुंह ये देखें, ब्राउन वाइट सब मिक्सअप है, पूरे स्लॉट में ना सबसे खूबसूरत बकरा ही है। 29 बोले ना, 25 में कराता हूँ। आपकी मोहब्बत में 25 पा गए, 25 में डन है। 25 में 1 2 3 उठा भाई, चलो बिस्मिल्लाह करो यार। यार फाइनली बकरा ले लिया है, ठीक है गाय नहीं ले सके और मैंने कोशिश करी जितना रियल हो सके व्लॉग उतना रियल ही रखूं, कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं थी। अच्छा भाई अलहमद आप कैटल फार्म आइए, लोकेशन मैंने आपको बता दी है, मिड रेंज जितने भी हजरात हैं वो आके यहाँ से ले सकते हैं और ये लोग सारा साल पालते हैं, इनको देख के पलवा भी सकते हैं, सारे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, इनकी चीज़ें आ रही हैं, जाके देख सकते हैं, विजिट करें, मेरा नाम लेंगे इंशाल्लाह डिस्काउंट मिलेगा, मुझे नहीं दिया लेकिन आपको दे देंगे। बकरा मेरा ख्याल है मुनासिब मिल गया मुझे, मिल गया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Redemption.